हमारी एक ही मांग है, कोश्यारी समिति ने जो सिफारिश की है वो हिसाब से हमें वो दे, वरना आने वाला 2019 हम भी दिखा देंगे हम क्या है। तो मोदी साहब से यही विनती है और अर्थमंत्री से यही विनती है कि हमको कोश्यारी समिति के तहत हमें पेंशन देना चाहिए, वरना हम 2019 में ये सरकार उखाड़ फेंक देंगे। हेलो, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम से हैं हम लोग। तो हम लोगों का पैसा कटने के बाद भी 500, 700, 800 रुपए पेंशन मिल रही है, 1000 रुपए सरकार ने की लेकिन वो नहीं मिली, आज तक नहीं लोगों को मिल रही है। और हम लोगों को नहीं मिली, हम लोग 2011 से इसके लिए है ना, ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, वृद्ध लोग हैं ऐसी सर्दी में अपना पैसा खर्च करके और यहाँ तक आए हैं। और 2011 से सारे मंत्रियों से, सारे विधायकों से, यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री से भी 7 अगस्त को चर्चा की थी, उनने भी आश्वासन दिया, श्रम मंत्री से भी बात की, उनने भी आश्वासन दिया, ज्ञापन ले लिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे विभाग को बंद भी कर दिया और उसके बाद भी पेंशन तो कम से कम हमारा पैसा है उसका ब्याज ही अगर दे दें तो हमारे 9-10 हज़ार रुपया बनते हैं, उसको भी देने के लिए है ना सरकार तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने सभी ने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारी इस मांग को पूरी, कोश्यारी कमेटी की मांग को पूरी नहीं की गई तो हम है ना 19 के चुनाव में विरोध में वोट डालेंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। संख्या जो 60-65 लगाई, परंतु 14 सालामध्ये जे इलेक्शन झालं त्यावेळेस या सरकारने, मोदी साहेबांनी एक आच्छेदिनका नारा दिला होता आणि त्या भरोशावरती आमचे एक गोरगरीब पेन्शनर, म्हातारे कोतारे पेन्शनर त्यांच्या बुलथापर बळे पडले आणि त्यांना मतदान दिलं आणि भरभरून असं मतदान देऊन त्यांना बहुमत या देशामध्ये कधी मिळालं नाही कोणाला एवढं बहुमत दिलं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आमदार आणि खासदार यांना कुठल्या प्रकारची नोकरी नसताना पेन्शन द्यायला नाही पाहिजे, कायद्यामध्ये नाही येते, परंतु हे स्वतःच्या हक्क यांच्या ताब्यात असल्यामुळं पेन्शन वाढवून घेतात। आणि यांची बायको जरी, पत्नी जरी दिवंगत झाली तरी 100% पेन्शन मिळतं, परंतु आमचा पेन्शनर जर दिवंगत झाला तर त्याच्या मंडळीला 50% पेन्शन मिळतं, ही एक खूप मोठी शोकांतिक आहे। त्यांना पेन्शन 50,000 रुपये आणि आम्हाला पेन्शन 1,000 रुपये, एवढा फरक त्यांना सरकारला जर द्यायचा असेल तर मला असं वाटतं येणाऱ्या 19 लोकसभेच्या विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये आम्ही त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। मोदी साहेबांनी याची काळजी घ्यावी आणि लवकरात लवकर आमचं 7,500 रुपये पेन्शन आणि मागे भत्ता लागू करावा अशी माझी नम्र विनंती आमच्या सर्व देशातील PF 95 सर्व लोकांच्या वतीने करतो आणि थांबतो। 2015, 16, 17 और 18 चार साल हमारे मिनिस्टर फंसाते रहे, शिरडियों को बंडरों दत्तात्रेय 13 अगस्त 2017 में आए, उन्हें बोला हम कोश्यारी कम्युनिटी से ज़्यादा पेंशन देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं। लेकिन मोदी जी ने 10 मिनिस्टर का इस्तीफा लिया, इसमें बंडरों दत्तात्रेय का इस्तीफा गया। दूसरे बार वो संतोष कुमार जी गंगवार जो 7 दफ़ा लोकसभा में चुन के आए थे, उन्होंने बोला मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया। 6 महीने के बाद हम फिर गए, खासदार दिलीप जी गांधी और रामदास जी तड़स और भौसेब बागचौरे उसके साथ उन्हें बात की तो बोले हम EPS 95 और कोश्यारी दोनों नहीं देंगे, इसी वास्ते हमने 95 का बोला। तो 95 को नहीं देते तो कोश्यारी कमेटी दो, तो वो बोले हम 20 खासदार MP लेके मोदी साहब के पास जाएंगे और उसको बढ़ा के पेंशन देंगे। ऐसा बात करके संतोष कुमार गंगवार ने अभी तक हमको फंसाया। महाराष्ट्र अहमदनगर शिरडी से हम आए, महाराष्ट्र राज्य पेंशनर संगठना श्रीरामपुर हम काम कर रहे हैं, 4 साल से हमको फंसाते हैं। जिसको मिलती है 1,000, 1,200, 1,500 पेंशन, हम जब जाते तो हमारे फंड्स भी जाते और हमारे वाइफ को पेंशन 1,000 तक मिलती, इसी वास्ते हम सब 62 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं पेंशनर में और 16 करोड़ हमारे ऑन ड्यूटी है। इसी वास्ते हम मोदी साहब को विनती करते, आप घरों में काम कर रहे हैं, आप घर दे रहे हैं, लेकिन हमको
एक परिसर हमारा संसार बढ़ाने के लिए दो आदमी के लिए गुजरता नहीं, ऐसा ही पेंशन दो तो 3000 महंगाई और 3000 बेसिक दो।